मैं सोच रहा था हमारे पास में ना स्टॉलर है काके का, तो लेके ना यहाँ से नीचे जाएंगे। आप कैसे आए थे उस्मान भाई कनाडा में, पीआर आए थे या परमिट पे? ये वाला इलाका थोड़ा सा है ना, यहाँ पे तो मैम दिन में भी नहीं आते, जानबूझ के अकेला छोड़ के आए। देखो इसकी आवाज़, देखो अभी कैसे आवाज़ कर, कैसे आवाज़ निकालता है, देखो। ओए क्यों हो गया जी, कितने गया जी, मैं कितने नहीं गया, बौछतान हो गया, बौछतान की टूटी हो गया अभी। ये अभी है आवाजें मारता है आवाजें कि भाई साहब मैं अकेला हूँ, मेरे पास आ जाओ जल्दी। ये ले, यहाँ से आवाज़ आ रही है, ये ले, ये ले भाई साहब, गौर से देखो यहाँ से निकला हुआ कलर है। तो ये वो ग्लासी है जो किसी टाइम आपके भाई ने यूज़ की थी और अभी अपना बेटा यूज़ कर रहा है। देख स्पेशल इंडिया से आई है तेरे लिए, ये ले बस। हाँ ये भी खा ले, सब कुछ खा ले अभी। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल, चढ़दी कलाई होनी चाहिए। इस बार समर, पहली बार हम घर से बाहर निकले हैं, और जब भी बाहर निकले ना तो ये देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा है रोशनी में तो ये क्या उड़ रहा है देखो, तो इंडिया में पता क्या बोलते हैं, माई बुड्ढी का चाटा, माई बुड्ढी का, माई बुड्ढी के बाल होते हैं, इसको माई बुड्ढी के बाल बोलते हैं। हमारे पीछे देखो ट्रेन जा रही है, मेरे को मालूम नहीं हमारी शक्ल आएगी कैसी, इसको देखो कैसे कवर करके लेके जाना पड़ रहा है हम तो जेल लेते हैं लेकिन बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है, अगर उसकी आंख में चला जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वन स्ट्रॉबेरी लार्ज, पैसा पूसा खर्चा करा के ना, अभी बोलती टेस्टी नहीं है, ये देसी स्ट्रॉबेरी है। यही एकमात्र ऐसी लोकेशन है पूरे विनीपेग में, यहाँ पे आपको यहाँ के लोकल लोग ज्यादा दिखाई देंगे, हमारे वाले लोग भी होते हैं लेकिन लोकल लोग ज्यादा दिखाई देंगे। और वो देखो सामने बोट्स लगी हुई है, अगर किसी को विनीपेग शहर का टूर करना है तो बोट लेके जा सकता है भाई। स्ट्रॉबेरी अच्छे से पकड़ो, चोट ना देना। कितना फिगर है मैडम को, तू खा आराम से, मैं अपने बच्चे को छोड़ूंगा ऐसे। आगे पानी देखो, ओ ये देखो भाई साहब कितना इन्होंने बिल्कुल जगह बुक की हुई है इन्होंने देखो, और ये देखो बोटे ना बिल्कुल साइड पे लगी हुई है, एक्चुअली पानी इतना ज्यादा है मंदीप। ये देखो भाई ये नीचे जाने वाला रास्ता है, ये रास्ता ऐसे घूम के नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद में वहां से एक ट्रेल होती थी जहां से हम घूमने के लिए नीचे नीचे जाते थे। इन्हें पैर नहीं मिलू, इनका ख्याल रखना पड़ता है भाई, ये चोंच उठा के ना ऐसे ऐसे आपके पीछे भागेगी। मैं सोच रहा था हमारे पास में ना स्टॉलर है काके का, तो लेके ना यहां से नीचे जाएंगे क्योंकि उस साइड में सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियों से नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो काम तमाम हो गया काके, कैंसिल हो गया तेरा ट्रिप पूरा आज। मतलब पानी का लेवल तो देख यार, वो देख वो सेंटर वाला लाइट हाउस, लाइट हाउस देख, वो लाइट हाउस पे हम जाके फोटो खींचे थे ना लास्ट बार, मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं ना 7-8 फीट पानी का लेवल ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तक पानी आया, ये चढ़ाई है, ये देख ऊपर को चढ़ाई जाती है, ये नीचे से शुरू होता है वहाँ से। अगर कोई पिक होगी ना तो ऐड कर देना वीडियो में, यहाँ से आपको सही दिखाई देगा। ये वाला जो लाइट हाउस है ना, ये वाला, ये लाइट हाउस के पास में मेरी एक फोटो है तो मैं आपको शेयर करूंगा। वो भाई साहब देखो अभी कैसे आएंगे, भाई फंस गया, अच्छे से जोर लगा के हईशा। यस ये टेडी बिल्डिंग है ये कोई मेरे जैसा मैकेनिक होगा पक्का कुछ नहीं दिखाई देता भाई, सिंपल सी बोर्ड की फोटो है। विनीपेग की सबसे अच्छी लोकेशन लगती है मेरे को ये, मैं हर साल बताता हूँ आपको ये बहुत खतरनाक होते हैं भाई। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का चार्जर लगा हुआ है, नहीं टेस्ला वालों ने फ्री दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्किंग ओनली टेस्ला, टेस्ला चार्जिंग स्टेशन स्पेशल टेस्ला ने बनाए हुए अपनी गाड़ियों के लिए। ये देखो मैडम बोलती है कि डुप्लीकेट है, मैं बोलता हूँ ओरिजिनल है, पास जाके देखेंगे। ये देखो ये क्या कर रहे हो, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है, जैसे कोई प्लास्टिक का नीचे कोई बॉल होता है वो है, जैसे पूरी कलाकारी से काटा हुआ है किसी। yes. मेरे ख्याल में जो हॉकी ग्राउंड में ग्लास होता है ना वो तो बहुत महंगा होता है, लेकिन उसकी नस्ल का ही डुप्लीकेट। भाई भाग भाग के आया हूँ आपको एक चीज दिखाने के लिए स्पेशल, गाड़ी नो पार्किंग में घुसा के यहाँ पे ना लेवल आता है, जो हमने अभी पानी देखा ना, पानी का लेवल देखना है तो इस पे मालूम पड़ेगा, ये अपने को बताएगा कि अभी रिवर में पानी कितना है। जा भाई जा 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 जा, नाराज हो गया यार, वाटर लेवल ये गया 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 30 फीट के ऊपर है, 30 फीट का निशान है ना उसके ऊपर है, देखो वो 33 के नीचे
30 फीट के ऊपर। सफ़र का नॉर्मल पानी जो होता है ना वो इतना होता है भाई। और अभी देखो कहाँ पे दुकान की पर्सनैलिटी देखो कितनी है। मेरी गाड़ी नो पार्किंग में, ये देखो टेम्प्ररी नो पार्किंग है। मतलब 33 फीट पानी है उसमें। ब्लैक रंग की मर्सिडीज ली थी अपने भाई ने, तो उसकी हमने वीडियो बनाई थी, उसमें इसका लेवल देखना। तो बार इतनी वार्निंग थी ना फ्लड की, हर रोज वार्निंग। ये जगह बढ़िया है बॉस। साबन इसके बाद में सीधा पानी है। ये केमिकल बहुत अच्छा है। अच्छा इसमें केमिकल है, वो जो सर्विस स्टेशन के ऊपर मिलता है कार धोने के लिए वही सेम। अपनी कंपनी में फैसिलिटियां बढ़ती जा रही हैं। कंपनी बड़ी हो रही है। क्या बात है, देखा भाई दिल खुश हो गया देख के। जब हम कार वॉश करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मिलता है। देखो हमारे ट्रक जो है ना ऐसे वॉश होते हैं, इसके ऊपर बाद में पानी वाला प्रेशर चलेगा और फिर वॉश होगा। सबसे पहले ये अपना ट्रक नहीं है, हम आए हैं 3-4 दिन के बाद में, तो ट्रक गया हुआ है कहीं पे, एक दो दिन में आ जाएगा। और ये एक ट्रिक है, ये देखो इसको दबा के ना मैं अंदर से आने के टाइम में फिर से स्विच बंद करके आया, एयर बैग में हवा आई, ये फिर ऊपर हो गया। आसान हो जाता है काम थोड़ा सा। ये होती है रेड वायर, लगा दी है क्योंकि इसमें हवा नहीं है। इसको पूरा नीचे करके, ये देखो इधर को करेंगे ना लोअर, इसके ऊपर लगा हुआ है टैग। टैग का मतलब है ये वाली जोड़ी और ये वाली जोड़ी टायरों की नई डाली हुई है इन्होंने, वो देखो वो वाली और ये वाली, अभी स्टिकर लगे हुए हैं। कन्वर्टर को हवा देने के लिए ये वाला पाइप। तो कनाडा में अगर टायर नए डाले तो रीटॉक करने के लिए 200 किलोमीटर के बाद में एक बार सारे नट बोल्ट उस टायर के चेक करने मांगते हैं। टेम्परेचर देखो भाई 25 डिग्री। एक भाई का बहुत अच्छा कमेंट आया था, बोला तुमको 25 में गर्मी लग रही है। क्या होता है ना यार, आप लोग देखते ही हो सर्दियों में यहाँ पे कनाडा में -50 टेम्परेचर होता है, तो हमारी जो बॉडी होती है ना साल के 8-9 महीने ठंडी झेलती है। इसलिए हमारे बॉडी का हिसाब ऐसा हो गया कि जब 25 डिग्री टेम्परेचर होता है ना तब गर्मी बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि कनाडा में जो सूरज है ना वो थोड़ा सा हमारे ज़्यादा पास है धरती के। ये ओवरवेट है भाई, ये भी बहुत लफड़ा होता है यहाँ पे। ये ट्रेलर ओवरवेट था, जब मैंने दोनों का वेट किया तो ग्रॉस वेट जा रहा है 65,000 से ऊपर और हम लेके जा सकते हैं 63,500 टोटल सारे टायरों के ऊपर मिला के। फिर बाद में पुलिस वाला स्केल के ऊपर रोक के आपको सारा कुछ समझाएगा। ये वाले कन्वर्टर बहुत ऊंचे हैं, इसलिए कितना उठा के ट्रेलर फिर घुसते हैं अंदर भाई, और उधर हमारा पूरा योर लग जाता है और डर भी लगता है। 5 गियर में स्टार्ट होता है कभी कभी, इसको ना थोड़ा सा भुलेखा लग जाता है कभी कभी। टांग टेस्ट कर लेते हैं भाई। फिर 5वें में चला गया। ओ भाई इतनी पावर नहीं है, 2 ट्रेलर हैं, दोनों ही लोडेड हैं। ये एक अच्छा मौका होता है सब कुछ चेक करने के लिए। खतरनाक ब्रिज है भाई, खतरनाक। देखो यहाँ पे क्या करे बंदा, अपना शीशा बजा के रखना पड़ता है आगे वाले बंदे से। यही फायदा है, चाहे ब्रेंटन आओ चाहे कहीं भी जाओ, टीम ऑर्डर अपनी रेंज में रहता है। चाहे ये देखो मच्छर भाई साहब किधर आ गए, चल 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 बाहर। वीडियो का थंबनेल और टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, आज आपको एक ऐसे बंदे से मिलाने जा रहे हैं जो भाई साहब भी डबल ट्रेलर चलाते हैं और पाकिस्तान से, और हम हैं इंडिया पंजाब से। आपके साथ में बिठा के 2-4 बातें करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इतने साल से इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठे स्विच कर रहे हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, इज्जत मान से रहते हैं, एक दूसरे को पूरी रिस्पेक्ट देते हैं,
और बड़ा प्यार बना हुआ है। ये सामने से जो पाई कर रही है ना, ये भाई साहब से आज अपनी स्विच है और ये भाई साहब से आपकी मुलाकात कराई जाएगी आज। इस तरफ से आ जाओ। मच्छर बहुत है, मच्छर बहुत है, आज बारिश भी बहुत। हाँ तो भाई साहब मिलो, ये भाई साहब का नाम है उस्मान गिल। हाँ जी, हाँ जी। और ये भाई साहब बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। हाँ जी, पाकिस्तान। कौन सा एरिया? पाकिस्तान पंजाब। हाँ जी। आगे डिस्ट्रिक्ट कौन सी? पंजाब लाहौर से कह ले 200 किलोमीटर आगे है, वो छोटा एरिया। लाहौर मेरे से 40 किलोमीटर है। अच्छा। मैं बिल्कुल बॉर्डर के पास में। चलो, मेरे को हो गए 7 साल ये वाली कंपनी में, 6 साल। सुमान भाई को कितना टाइम हो गया लॉ ब्लास्ट? बड़ा टाइम हो गया, 10-12 साल। 10-12 साल हो गए मेरे को, तकरीबन 6 साल हो गए पाइप की स्विचें करते हुए यहाँ पे। ये मेरे से भी पुराने सीनियर हैं, तो हम जब भी मिलते हैं बड़े इज्जत मान से मिलके यहाँ से चले जाते हैं, हेलो हाय करते हैं, रابطہ करते हैं। हमारा नंबर इनके पास है, इनका नंबर हमारे पास है, अच्छी बातें बातें होती हैं। आज भी ये देखो, आप पहली बार हमारे ट्रक में आए हो, कॉफी लेके आए हो भाई साहब के लिए। वैसे तो कॉफी इन्होंने रास्ते में उठा ली है, लेकिन फिर भी इनको स्पेशल कॉफी देने के लिए एक इज्जत मान होती है। इस्मान भाई पहली बार आए हो मेरे ट्रक में, कभी मौका ही नहीं बना। बाहर से स्विच करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, बस निकल पड़ते हैं अपने अपने रास्ते। आप कैसे आए थे उस्मान भाई कनाडा में? पीआर आए थे या परमिट पे? पीआर ही आए थे, फैमिली आ गई साथ में ही? फैमिली बाद में आई, लेकिन मैं पीआर ही आया। पढ़े लिखे हो आप, मतलब एजुकेशन ली होगी उधर पाकिस्तान में? कितनी क्लासें कर ली उधर? मैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट की। अच्छा, देख लो भाई, यूनिवर्सिटी कंप्लीट की हुई इन्होंने, बंदे पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे को भी पहली बार मालूम पड़ा, तो खुशी होती है यार। अच्छा लगा भाई उस्मान भाई मिलके, मुलाकात। हाँ, फिर मिलते हैं। ओके सर। इनको भी निकलना होता है, इनकी ई लॉग होती है, घूमती बहुत जल्दी है। ठीक है जी, ठीक है। पाकिस्तान वाला भाई है अपना, तो पंजाब से, तो दिल खुश हो गया यार मिलके, और आप लोगों से मिला के भी उतनी खुशी हुई। ये आगे से ये देखो, 2 ट्रेलर लेके आए, अभी ये अपना ट्रक निकाल के ले जाएंगे, इनके ट्रेलर के नीचे मैं अपना ट्रक सेरूंगा, और इस बंदे का क्या करें। अभी ये ट्रक निकाला और ये जा रहे हैं। वो गया निकल के भाई, ऐसे यहां से बाइक घूमती है और ऐसे हम निकल जाते हैं अपने अपने घरों। बस मैं भी रेडी हूँ, ऑलमोस्ट मैं भी निकलूंगा ही, बस पीटीआई करके अभी फ्री हुआ। पीटीआई मींस की प्री ट्रिप इंस्पेक्शन। जाने से पहले टैग टेस्ट जरूर मार लो। वो भाई साहब चले गए अपने रास्ते, इनको यहाँ से 4-4.25 घंटे लग जाते हैं आने में और जाने में, और हमको विनीपैग की साइड में सिर्फ 2.25 घंटे लगते हैं जाने में, 2.25 घंटे आने में। देख लो, इन्होंने बताया ना 10-12 साल हो गए। चलो मैं तो इनका जूनियर हूँ, मेरे को अभी कनाडा में पूरे 6 साल हुए। हम एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं या मैसेज कर देते हैं कि भाई कितने बजे आप आ रहे हो, तो जब इनका टेलीफोन आ जाता है या ये हमको बता देते हैं, तो इससे क्या होता है वेटिंग टाइम कम हो जाता है। इन्होंने मेरे को बोला था कि मैं भाई 9:15 के ऊपर पेट्रो पास के ऊपर पहुँच जाऊँगा। बस पूरे 9:15 के ऊपर पेट्रो पास के ऊपर आ गए, 2-3 मिनट का, 1-2 मिनट का इधर उधर हो जाता है। मेरे को मालूम है अपने चैनल को देखने वाले पाकिस्तान से काफी भाई हैं, मैं कमेंट्स में नोट करता रहता हूँ, उनको जरूर अच्छा लगेगा ये वाला पार्ट देख के कि हाँ यार हमारा भी भाई वहाँ पे डबल ट्रेलर चला रहा है। देखा, आपको दिखाई दिया, उसने अपने दरवाजे से क्या फेंका, भाई साहब अंदर आराम से सिगरेट फूंक रहे हैं, सीधा बाहर फेंक दिया। भाई अगर मेरे आगे शीशा नहीं लगा होता, सीधा मेरे मुंह के ऊपर आने वाली थी पूरी। खतरनाक बंदे भाई रोड के ऊपर चलते रहते हैं। देखो, मेरे को मालूम नहीं अभी कैमरे ने नोटिस किया नहीं किया, गौर से देखो इस इंसान को, यही इंसान है जो बड़े बड़े ट्रकों को आग लगा देते हैं। अभी मच्छर सारा काम खराब किया करेगा गर्मियों में। अभी देखो मच्छर ने सारा कवर कर लिया ना अपना शीशा, और पूरी इमेज ही खराब कर दी उस ट्रक की, इतना अच्छा ट्रक था।
आज ही गाड़ी को पानी मारा था और ये देखो ये मिट्टी है, कनाडा में भी मिट्टी होती है भाई। ट्रिपल लगा के आए भाई के साथ में, भाई ने बहुत साथ दिया अपना भाई, थैंक यू तेरा। जब ट्रक चेंज करके लेके जाते हैं ना तब आपको मालूम है सारा सामान इसमें रखना होता है, राड पुलर ग्लव्स, ये जो तीन चीज़ें होती हैं ना, राड पुलर और ग्लव्स, ये सबसे मेन है बाइक के लिए, और एक हैमर, हैमर भी है उसमें। सर भी ट्रक हैं, ये भी सारे हाईवे के ट्रक हैं, और ये ट्रक हमने पार्क किया है, और ये इस तरफ कारें ड्राइवरों की, और वो सामने दूर वो भी कारों की पार्किंग है, और सड़क के उस बार भी कारों की पार्किंग है। कारों की पार्किंग बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है जब कंपनी बड़ी हो जाती है भाई, तो हमारे यहाँ अभी तीन चार जगहों में कारें पार्क होती हैं। अभी नया वाला यार्ड बन रहा है ना, जब वो बन जाएगा तो वहाँ पे बड़ी पार्किंग बनाएंगे ऐसा मालूम पड़ा है हमको। और हमारी कंपनी की एक और से बताएं, रात को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो शॉप में रात को भी बंदे होते हैं मैकेनिक, रात को आप ट्रेलर वॉश कर सकते हो कंपनी में, रात को आपको कोई प्रॉब्लम है आपका ट्रैक्टर ट्रेलर को छोटी मोटी प्रॉब्लम रात को भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे तो पहले ही एम्बुलेंस आई हुई है, मालूम नहीं क्या चक्कर चला हुआ है, किसी के घर में आई हुई है भाई रात को। देखो भाई इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, इन भाई साहब को देखो, इनको कोई टेंशन नहीं है। जैसे हमको वाइट वाला होता है ना पेडेस्ट्रियन का इशारा होता है तो फिर पेडेस्ट्रियन क्रॉस करते हैं, लेकिन इस टाइम के ऊपर भाई कोई पेडेस्ट्रियन नहीं चलता, ध्यान से देख के निकलना पड़ता है हर सिग्नल के ऊपर। ये वाला इलाका थोड़ा सा है ना, यहाँ पे तो मैम दिन में भी नहीं आते क्योंकि दिन में भी हमको जरूरत नहीं पड़ती इधर आने की, लेकिन चलो भाई का घर उस तरफ था उसको छोड़ के मैं रास्ते में इस तरफ आ रहा था, ये रास्ता मेरे को शॉर्टकट पड़ रहा था तो मैंने सोचा चलो ये रास्ते में निकल जाते हैं, कुछ मालूम नहीं होता। क्या बोलूँ अभी मैं किसी के बारे में, लेकिन नशे में धुत बंदे होते हैं ना जो सड़कों पर घूमते रहते हैं सारी सारी रात, ये वही बंदों का एरिया है। आज मेरे को थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये जो हमारे वाला एरिया कितना सेफ है, अभी रात को 12 बजे आते हैं 1 बजे आते हैं, कोई पैदल चल के भी आने वाला बंदा होगा ना उसको भी कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन उस साइड में तो भाई सुनसान एरिया और वही बंदे घूमते हैं। एक हमारे एक दो इंडियन बंदे लापता भी हुए हैं। चलो छोड़ो ये अपना मुद्दा नहीं है, अपना मुद्दा यही है कि अगर यहाँ तक वीडियो देखी भाई लाइक कर देना, और अगर नए आए हो चैनल के ऊपर तो कर लो सब्सक्राइब। मेरा घर आपने वीडियो में देख ही लिया, मेरा घर लाहौर से 40 किलोमीटर इस साइड में इस वाले पंजाब में है, जो वाघा बॉर्डर है मेरे घर से सिर्फ 20 किलोमीटर है। मिलते रहेंगे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस में, टिल देन अपना और अपने पर का ख्याल रखो, रब राखा।